वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह सिख संगतां नूं मैं एक वीडियो राही संबोधन किया सी, जिहते कुछ संगतां दा शंका है कि शायद वह जिहड़ी वीडियो है वह पुलिस की कस्टडी बनी है, क्योंकि उस वीडियो मैं जी बुरे बारे देख रहा कितने। सो मेरी एक संगतां नूं अपील है भी देखो, पहले की मेरी आदत नहीं भी मैं बैठ के सामने सामने वीडियो बनावा, तुसीं पुरानी वीडियो देखोगे उहदे च भी मैं कैमरे वाल बहुता वेखदा नहीं हुंदा। सो पहली गल जिहड़ी मुख मुद्दे वाली गल आपां करनी है, एक तो आप हर चीज़ को कॉन्सपिरेसी नहीं समझना, सतगुरु सच्चे पातशाह की ओट सदका आप गुरु की खेड़ में वड्या समझिए, यह नहीं भी आप मतलब हिंदुस्तान की सरकार या पुलिस को वड्या समझ लग पीए। कलगीधर पातशाह जी करामात वड्या समझिए, एडे किरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो कढ़िया तो वह किसी मकसद वास्ते कढ़िया। जिन्हों ये लगता भी मैं को भगौड़ा हो गया तो मैं अपने साथियों को छड़ गया, यह गल भुलेखा कोई अपने मन च ना रखे। देखो ना तो मैं मरण तो डरा, मरण लिखाए मंडल में आए, इस बाणी के जोड़े बचन ने इतने पूरा पैरा दे रहे हैं। जिदन संसार से आ गए उदन मौत का जोड़ा राह शुरू हो जाता, इस तो कोई बच नहीं सकता। पर मेरी संगतान एक अपील है, मैं जी अज बहर हाँ सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो मैंने बहर रख्या है इस घेरे तो वह अर्थ यह है कि मैं अपने साथियों कौम के नौजवानों लिए कौम के हितों की कुछ कर सकता, तो छेती ही संसार सामने भी प्रगट होवांगे और इस संगतां दे विच भी विचरांगे। इदां दी कोई गल नहीं, मैं उन्हां चों नहीं हैगा भी जिहड़ा कहणगे मुल्क छड जा जी, मुल्क छड के बाहर चल गया वह हुण बाहरों जा के लोगों नूं वीडियो पा के मैसेज देऊंगे, इदां दी गल नहीं। हाँ जिहड़े बगावत दे दिन हुंदे आ उहनूं कटदिआं बहुत कुछ सानूं झलणा पैंदा, बिखड़े पैंडां ते तुरना पैंदा, मीलां मील भी बाई बाई मील सफर दिन हर दिन पैदल करना, यह कोई मतलब खाला जी का वाड़ा तो है नहीं। सो अठी पैर प्रशादा छकना जो कि मिल गया, नहीं तो फिर जल पानी छक के गुजारा कर लेना। ये जिहड़े दिन ने बगावत दे कटने औखे ने, पर मैं संगतों को एक अपील करना है कि अपने चढ़दी कला च रहना। चढ़दी कला च रहने का अर्थ यह होंदा भी असी जदों इस राह से तुरीए, इस मार्ग से तुरीए तो सानू पहले ही पता हुंदा भी आप जिहड़े राह से तुरे हैं कंडियां वाला राह है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया है और किला छड के माछीवाड़े के जंगलों के गए ने, पैर कन्या लहू लहान हो गए। सो वो रास्ते जोड़े धर्म की नगरी के उत्ते तैयार करने पैंदे। मेरी जी संगतों को अपील है कि मैं एक कॉल दिती सरबत खालसे वास्ते, मैं जथेदार साहब नूं तां कहा भी जथेदार साहब ने एक सद्दा दिता सी मीटिंग करके कि समूह जथेबंदियां पहुँच, जथेबंदियां पहुँचियां उत्थे जिन्होंने हमायत च की गल उन्हां दा भी धन्नवाद, जिन्हें विरोध च की उन्हां दा भी धन्नवाद। मैं किसी के विरोध च नहीं गल करनी, कोई भी यह समा नहीं किसी का विरोध जनता नहीं करता। कौम ते भीड़ आण बण पई होवे ते सानू एक दूजे दे हक च खड़ाउणा चाहिए। जथेदार साहब ने एक जिहड़ी उदम किया वह चंगा है, उहदे च कुछ नूं नहीं शामिल किया गया, मैनूं लगता भी सारे लई खुल्ला सद्दा होना चाहिए सी, पर जो हो गया सत वचन है। हुण उस तों बाद च जथेदार साहब ने कहा छोटियां वीरां कढांगे। देखो वीर शब्द जदों असीं पंजाब आण के इस पुरातन शब्द नूं रिवाइव किया, इहदा अर्थ है वीर कत्तणी, कत्त के भाव इस पासे नूं तुर लैणा, ते फिर किसे रोक की परवाह नहीं करनी। जदों वीर तुर पैंदी है वह किसी को रोक नहीं सकती। जथेदार साहब जी जे वीर कढ़णी है तो मेरी एक बेनती है, ये जो तुम प्रवान करो तो चंगी गल, क्योंकि थोड़ी भी प्रीख्या है, साड़ी प्रीख्या जो असं लंघ रहे हैं, पर थोड़ी भी यह प्रीख्या है भी जथेदार के अहुदे जो जथेदार साहब के अहुदे से होंदी यह प्रीख्या है भी तुम अच्छ कौम के लिए कि डट के हक खड़ सकते हो। सो जो तुम वहीर कढ़नी है तो तहानू यह वहीर जी है इस तरीके कढ़नी चाहिए। अकाल तख्त साहब तो शुरू होकर कुछ दिनों के वहीर दमदमा साहब पहुँचे विसाखी, तो उत्थे सरबत खालसा हो गए। तो मैं ये कदे भी नहीं कहा भी वहीर नहीं कढ़नी चाहिए, मैं ये कहा भी वहीर कढ़नी है, पर जी पिंड छोटिया वहीर लोगों जागरूक करना यह खाना पूर्ति है। लोग पूरे जागरूक ने और लोगों होर जागरूक करने की लड़ नहीं, समूह संगतों को मोबलाइज करने की लड़ है, संगतों को इकट्ठे करने की लड़ है, उन्होंने हुकूमत का पै कढ़ की लड़ है। सो अज सू लड़ है असी इकट्ठे होइए, इकट्ठे होकर कौमली खड़ीए, तो जिन्होंने ए लगता कोई नहीं इस धरती ही हाँ, इस धरती ही अपना लहू डोलना। सो इस करके गल की आप प्रवाह छड़ दीए भी मैं कितने भगौड़ा हो जाऊंगा, सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्नी बरकत इन्नी कृपा इन्नी रहमत मेरे ते की है कि मैं सुपने के भी भगौड़ा नहीं होना सोच सकता। कई ने कहा उन्हें केस कतल करा रहे होने, ये सारिया गल् जो बेबुनियाद ने। केस कतल कराने तो पहले जो सिर का खोपड़ा असं लवा सकते हैं, केस कतल कराने बारे सोच भी नहीं सकते। सो मेरी संगतों को अपील है, मेरी होर ना सारे अपील है भी किसी अगे हाथ जोड़ के तरले नहीं करने, ठीक है। संगतों को संबोधन किया मैं पहली वीडियो, इस करके मैं संगतों को संबोधन करद निम्रता, तो मैं वैसे नीवी पा के गल करता हूं। जो हुकूमत को संबोधन मैं हूँ कर दिना भी हुकूमत तो ना मैं कल डरता सी ना अज डरना, हुकूमत ने जो करना कर ले। हाँ यह गल है गिरफ्तारी तो मैं नहीं डरता, गिरफ्तारी लिए मैं कोई शर्त नहीं रखिया। जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही मैं गिरफ्तारी बारे कोई गल ही नहीं की, जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही भी अमृतपाल सिंह ने तीन शर्त रख दी गिरफ्तारी दी, भी थाने जी उहदे नाल कुटमार नहीं की, मैं कहना जिहड़ी कुटमार करनी जिहने कर ले, जिहड़ा तशद्दुद किसे करके वेखना करके वेख ले, ना तशद्दुद तो डरदे हां ना बंद बंद कट्टण तो डरदे हां। सो इस करके मेरी संगतां नूं अपील है किसी भी गुमराह को प्रचार च नहीं आना,
मैं चढ़दी कला च अज की तरीक तक मैं चढ़दी कला के और अज तो बाद सतगुर के हाथ है सारा कुछ। जे सतगुर ने इनिया संकटा च राखी की है तो अगे भी करता रहूगा। महाराज वो घर च किसी का घाटा नहीं, मेरी वोट उसते है, मेरी वोट दुनियावी ना तो अदालतों पर है ना किसी होर गलते है, मेरी वोट सतगुरु सच्चे पातशाह की कचहरी पर है। उन्हें इंसाफ मेरे नाल करना है। संगतां नूं मेरी अपील है भी तुसीं दृढ़ रहना, तुसीं ढेंजी कला च नहीं जाना, ना ढेंजी कला कोई गल करनी है। और मेरे परिवार को मेरे को अपील है भी तुम्हें भी कोई ढेंजी कला गल नहीं करनी, एवं नहीं हाथ जोड़ के कही जाना भी देखो जी साथ दो, सारी संगत साथ दे रही है। कोई नहीं जो कोई नहीं भी दिंदा इस सतगुरु सच्चे पातशाह का पिंड है, इस मार्ग से चलते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जो आनंदपुर साहब का किला छड़ते हैं तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे भेड़ ले सी, लोगों ने कहता सी अपने पुत मरवा गए, साडे मरवाउण आ गए। सो मैनू ऐ लगता भी आपां नूं संगतां दा साथ जिहड़ा है वह संगतां ने आप ही दे देना। आपां चढ़दी कला च रहिए, सतगुरु दा भाणा मनी, ये भाणा मनने ही सारा कुछ होना है। जे भाणे तो उल्ट जाके गल करांगे वह होनी भी नहीं गी, सो भाणे च रह के सारा कुछ होना है। सो इन बेनती है सरबत खालसे की काल जथेदार साहब देन, जे नहीं देंदे तो उन्होंने प्रीख्या की घड़ी है भी वह कौम लिए की कर ली संजीदा ने की नहीं कर ली संजीदा ने। उन्होंने उत्ते एक इल्जाम लगता भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ये उत्तों भी मुक्त होने का समय है। सो अज आप बध चढ़ के जरा वा सरबत खालसे की काल के हिस्सा पाइए। संगतों को मेरी अपील है भी तुम संगती रूप से पिंडा च अनाउंसमेंटा करो भी विसाखी के उत्ते दमवा साहब सरबत खालसा सद्या जाए। इन बेनती है जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।